रात को सोते समय हमें कैसा सोना चाहिए? इस विषय में बहुत से अध्ययन करने के बाद कुछ बातें जो साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है और पुरातन वास्तुशास्त्र, भारतीय शास्त्र, दर्शन के माध्यम से ये बातें आज आप ध्यान में रखें, उस हिसाब से आपके जीवन में, आपके घर में थोड़े बदलाव लाए। आपकी सोने की पोजीशन अगर गलत होती है तो उसे बदले और प्रत्यक्ष अनुभव से आप देखिए कि क्या फर्क होता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि रात को सोते समय हमें कैसे सोना चाहिए। तो पहली बात, हमें हमारा सिर उत्तर की तरफ नहीं आना चाहिए। माने नॉर्थ दिशा की तरफ हमें नहीं सोना चाहिए। पूरब, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, इन चारों दिशा में से नॉर्थ छोड़ के हमें सोना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ की तरफ सिर उसी समय करते हैं जब आदमी मरता है, हिंदू शास्त्र के हिसाब से। फिर रह जाती है तीन दिशाएं मुख्यतः, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। फिर इसमें ऐसी कौन सी दिशा है जो सबसे ज्यादा लाभकारी है? तो इसमें सबसे लाभकारी दिशा है वो है दक्षिण। अगर दक्षिण की तरफ हो सके, आपके घर में वो जगह अगर आप बना सकते हो सके तो आपका सिर दक्षिण की तरफ आएगा, ये आपको देखना है। किसी कारणवश अगर आप दक्षिण की तरफ नहीं सो सके तो दूसरा ऑप्शन आपको अच्छा है, वो है पूरब दिशा। पूरब भी अगर आपको नहीं होता है तो आप पश्चिम की तरफ सिर करके सो सकते हो। ये जो दिशा का शास्त्र, वास्तु शास्त्र, कभी कभी हमें अंधश्रद्धा लगता है, पुरातन लगता है, लेकिन दोस्तों इसका पूरा संबंध हमारे शरीर की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से है। जैसे अर्थ की, पृथ्वी की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा वो काम करता है, ये सूरज, चंद्रमा, अर्थ, इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हमारे बॉडी पे बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। अगर बाहर सुबह होती है, रात होती है, तो उसके असर डायरेक्टली अपने बॉडी पे होते हैं। वैसे ही नॉर्थ पोल, साउथ पोल जो अपने पृथ्वी के होते हैं, उसके हिसाब से अपने नींद और अपने बॉडी की भी साउथ और नॉर्थ पोल का संबंध होता है। आज से आप ये आपके जीवन में बदल करिए और कुछ ही दिन में आप पाएंगे
कि आपकी नींद अच्छी हो रही है। और इस विषय में जब हम बात करते हैं तो और एक दिशा आपको ध्यान में रखनी है जहां पे आपका सिर नहीं आना चाहिए, और वो दिशा है आग्नेय दिशा। दक्षिण और पूरब के बीच में जो आग्नेय दिशा आती है, वास्तु शास्त्र के हिसाब से आग्नेय दिशा में किचन होना चाहिए, जहाँ पे खाना पकाया जाता है वो अग्नि की दिशा है। अगर अग्नि की दिशा में गलती से पूरब और दक्षिण के बीच में अगर आपका सिर आएगा तो हो सकता है कि आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, संताप बढ़ सकता है, या उनका स्वभाव क्रोधित होता है। ये दिशा के बारे में जब हम बात करते हैं तो घर का मालिक, कमाने वाला, उस विषय में ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किस दिशा में सोता है। और आपको हीट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसा पाया गया है संशोधन के माध्यम से। जो लोग इस दिशा में सोते हैं उनका झगड़ा होता है, दोस्तों आयुर्वेद के हिसाब से अपने जीवन के तीन मुख्य तत्व है, आहार, निद्रा और काम जीवन। ये तीनों में से एक भी चीज अगर हमारी बिगड़ती है तो हमारा पूरा जीवन ध्वस्त हो जाता है। उसी में से अपने जीवन में निद्रा को बहुत महत्व है। जो आदमी ठीक से सोता है उसे कोई बीमारी हो नहीं सकती। इसीलिए आज के विषय में एक डायमेंशन चुना जिसके कारण बहुत से लोग जाने अनजाने में गलती कर जाते हैं और उनके घर में बीमारी, लक्ष्मी का न आना, चिड़चिड़ापन, झगड़े होना, ये बातें दिखाई देती है। हो सके तो आप प्रयास करें, मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ उसे साइंटिफिक तरीके से सोचने के बाद, समझने के बाद, एक रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इन बातों को आप अमल करें, अनुभव में जाए, अगर फायदा होता है तो इसे स्वीकारे, नहीं तो छोड़ दे। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।